आज हम लोग जो है इतिहास के प्रारंभिक चरण के बारे में देखेंगे कि इतिहास के प्रारंभिक चरण में मनुष्य खास करके भारत में किन किन स्थानों पर जो है उसने अपना निवास स्थान प्रारंभ किया और प्रारंभिक समय में वो किन किन नदियों के किनारे और किस किस प्रकार के वस्तुओं का उपयोग किया करता था। आइए देखते हैं वीडियो में। आज जो है अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, जिसको शिकारी कहा जाता था, पशुपालकों, कृषकों, प्रशासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे और किस प्रकार के नाटक देखते थे या फिर किस प्रकार से नाटक को जो है वो करते थे और किस प्रकार के गीत को गाते थे। यह सब जो है अगर संभव हो पाया है तो इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों से, जिसका उपयोग जो है पुरातत्वविद जो है इतिहास का अन्वेषण करने में, जानकारियां इकट्ठा करने में प्राप्त करते हैं। आइए पता करते हैं कि ये लोग कहाँ रहते थे, जो प्राचीन इतिहास के मनुष्य थे वह किस प्रकार से जीवन अपना जीते थे और कहाँ रहते थे। आइए हम सबसे पहले नर्मदा नदी का पता लगाते हैं। आपको जो है नर्मदा नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी भारत के एकदम मध्य में। यह नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा और ताप्ती, यह दो नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इन नदियों की ये विशेषता है। तो सबसे पहले कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के इसी तट पर लोग रहा करते थे। यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग थे वे कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब कि जंगलों से खाद्य पदार्थ का संग्रह करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे और इस प्रकार से वह अपना जीवन यापन करते थे, जो कि इस नर्मदा नदी के क्षेत्र में स्थित है। अब अगर हम यहाँ से जो है चलते हैं सुलेमान और कीरत की पहाड़ियों पर, तो जो कि ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र हैं और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कीरत और सुलेमान की ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इन पहाड़ियों को तो ये पहाड़ियाँ पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित हैं ये पहाड़ियाँ। अब इनके बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। मतलब यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया और यहाँ पर खेती करना प्रारंभ किया। ये लोग गाँव में रहते थे, इनका जीवन जो है ग्रामीण था। जैसे कि वर्तमान में ग्रामीण और शहर दो विविधताएं हैं और यही विविधताएं जो है उस समय भी रही हैं, लेकिन उस समय जब प्रारंभिक समय था तो लोग लगभग गाँव में ही रहा करते थे। अब इसके बाद हम चलेंगे जो है विंध्य की पहाड़ियों की तरफ। तो विंध्य की पहाड़ियां हमारी जो है यहाँ पर नर्मदा नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। और इन पहाड़ियों की विशेषता यह है कि इन पहाड़ियों पे जो है सबसे पहले चावल उत्पादन का कार्य शुरू किया गया था। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये विंध्य की पहाड़ियां हैं भारत के एकदम बीचों बीच। तो यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। यह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, जो विंध्य की पहाड़ियां हैं इसके उत्तर में स्थित है, आप देख सकते हैं इस मैप में। और इस मैप को अगर और बारीकी से आप अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं कुछ चीज़ों को। अगर आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भारत की सीमा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से वर्तमान में लगती है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ पर जो है एक काबुल नदी है जो आके जो है सिंध नदी में मिल जाती है और उसके बाद यहाँ पर
सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो कि पंजाब, भारत के पंजाब प्रांत से जो है निकलती हैं, वो हैं झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलज। ये मिलके जो है सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और यहाँ पर हमारा राजस्थान का जो है थार का मरुस्थल स्थित है। और उसके बाद अगर यहाँ से आप जो है पूरब की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, सबसे पहले जो है यमुना नदी देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपरी क्षेत्रों में आपको गंगा नदी देखने को मिलेगी, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आपको चंबल नदी निकलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे जो कि चंबल विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है, और उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सोन नदी यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर गंडक नदी जो कि बिहार से निकलती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से यह नदियाँ मिलते हुए यहाँ पर गंगा नदी के रूप में, फिर बांग्लादेश होते हुए, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश होते हुए फिर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह है उत्तर भारत का नदी तंत्र है, नदी परिवहन तंत्र है, जिसमें जो है नदी के माध्यम से आज वर्तमान समय में छोटी छोटी नावों के द्वारा व्यापार भी होता है, और व्यापार के साथ साथ जो है यहाँ पर अनेक गतिविधियाँ होती हैं। अब अगर हम देखना चाहें उसके बाद अगर हम चलते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत भी आप प्राक इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें अनेक ऐसे स्थल है जिसपे यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, अनेक प्रकार की कारीगरी युक्त सभी सामान यहाँ पर मिले हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं, सतपुड़ा के पर्वत से दोनों तरफ से होते हुए निकलती हैं, और ये विंध्य की पहाड़ियों के पास से निकलती हैं। और इधर देखेंगे आप तो जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, महानदी है, और ये सब नदियाँ दक्षिण भारत की लगभग सब बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट है जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ से जो है पूर्वी क्षेत्रों में ढलान है, इसलिए यहाँ पर आपको गोदावरी, दक्कन का पठार यहीं पर है, तो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पिन्नार नदी, ये सब आपको जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर कावेरी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई देगी। और अगर आप इसके और नीचे जाएं तो आप देखेंगे कि इधर तो अरब सागर है ही, अरब सागर के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के बाद यहाँ पर नीचे हमारा पड़ोसी देश, एक समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिससे हमारी समुद्री सीमा लगती है। और यह जो है स्थिति हमारी कहाँ पर है, हिंद महासागर में। इस सब लक्षद्वीप जो हमारे द्वीप हैं ये सब हिंद महासागर में उपस्थित हैं। अगर हम दक्षिणी क्षेत्रों में देखें तो ये हमारा जो है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और यहीं पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव हमारा समुद्री पड़ोसी देश है, और श्रीलंका ये है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। और उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है पूरा ये क्षेत्र भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अगर हम भारत के पूर्वी भाग में चलें तो भारत के पूर्वी भाग में जो है आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिल जाएगी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिलकर फिर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। तो इस प्रकार से भारत में इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि भारत में नदी तंत्र किस प्रकार से विस्तृत पाया गया है, और इसका उपयोग जो है मनुष्य ने अपने जीवन के विकास के लिए भी अच्छी तरह से इसका उपयोग किया है। अब अगर हम मैप में चलते हैं आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है सिंधु नदी है, और सिंधु नदी तंत्र आप जानते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों से मिलकर बना हुआ है। ये इतना पूरा क्षेत्र ये जो है सिंधु नदी का क्षेत्र है, और इनकी सहायक नदियाँ एक बहुत बड़ा जाल उत्पन्न करती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले थे,
लगभग 4700 वर्ष पूर्व, जिन्हें सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री उत्तरवर्ती इलाकों तक जो है इनका नगरीय विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष। यह नगर और यहाँ के निवासी धीरे धीरे इन क्षेत्रों से हटकर फिर उसके बाद गंगा नदी के किनारे तटवर्ती क्षेत्रों में आए थे। और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इन तटवर्ती क्षेत्रों में नदियों के किनारे सबसे पहले यमुना नदी पड़ती है, फिर गंगा नदी पड़ती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार है, यहाँ पर स्थित है, तो मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी जो है ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय, जैसे कि भारत में उत्तरी हिमालय हैं, तो हिमालय जैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां और कहीं कहीं रेगिस्तान मिलते हैं, फिर नदियां या फिर समुद्री के कारणों के जोखिम जो है हमेशा रहते थे, लेकिन फिर भी लोग यात्राएं करते थे। जिनके लिए यात्राएं करना था उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। और कभी कभी काम की तलाश में भी लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ऐसी समस्याएं हुई हैं जिनके कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना स्थान परिवर्तित करते रहे हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्र को विजय हासिल करने के लिए भी जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में, कभी कभी जहाज़ों में, कभी कभी मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाते थे। कभी धार्मिक कारणों से, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए लोग एक दूसरे के क्षेत्र में जाया करते थे, दूसरे कस्बों में जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज करना चाहते थे, तो इसलिए वो उत्सुकतावश जो है विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करते थे और नई नई चीज़ों की खोज करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला और यह यात्राएं वर्तमान में भी होती हैं। हम इन यात्राओं को जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पे वर्तमान में भी करते हैं। अब अगर हम देखें तो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अब जैसे आप भारत देख लीजिए तो भारत में आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर जो है हिमालय पर्वत है, और यह जो है ऊपर हिमालय पर्वत और साथ में नीचे जो है तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जो है प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अगर कोई स्थलीय भाग तीन तरफ से समुद्र से घिरा है और ऊपर एक भाग स्थलीय है तो उसको प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भारत जो है महाद्वीप का एक विशेष प्रायद्वीप है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार पाना आसानी नहीं होती है, जैसे कि प्राकृतिक सीमाएं जो होती हैं, जैसे कि हिमालय हो गया या फिर समुद्र हो गया, इन सीमाओं को पार पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिन्होंने इसको ऐसा करना चाहा या फिर दूसरे देशों की यात्रा करनी चाहिए तो उन्होंने अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देशों की यात्रा की। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छूकर आगे निकले और गहरे गहरे समुद्रों को भी पार कर गए। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए, यहाँ भी आए भारत में, यहाँ बस गए, और लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में जो है बहुत ही समृद्धि आ गई और बहुत ही वृद्धि हुई। कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार करते अपनाते रहते थे।